हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। आपका क्विक रिवाइजर मास्टर चैनल में स्वागत है। चलिए आज आप लोगों को प्रश्नावली 3.5 का पहला नंबर सवाल बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके परिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है वज्र गुणन विधि से हमको समीकरण हल करना है। तो उसके पहले एक कंडीशन दिए हुए हैं, पहले बताना होगा कि उन समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, या परिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था a1/a2 = b1/b2, तो ये अद्वितीय हल होगा, और a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन c1/c2 = नहीं है, तो कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मैंने बताया था ना। तीसरी कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों अनुपात बराबर हैं, तब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मैंने ये चीज़ आपको बताया था, अब आप लोग इससे संबंधित सवाल भी लगाए हैं। तो पहले इसको अप्लाई करके हम पता करेंगे कौन सा समीकरण अद्वितीय है। अद्वितीय जब होगा तभी उसको हम हल करेंगे, यदि अद्वितीय नहीं है तो उसमें लिख देंगे समीकरण कोई हल नहीं, या इस समीकरण के अनेक रूप अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, लिख देंगे और उसको हम हल नहीं करेंगे। पहला नंबर देखिए, x-3y-3=0, 3x-9y-2=0। तो इसमें हम तुलना कराएंगे, a1x+b1y+c1=0 तथा a2x+b2y+c2=0 से तुलना कराने पर तुलना कराएंगे, a1 की जगह क्या है, यहाँ एक है, एक हो गया, b1 की जगह -3, c1 की जगह -3, a2 जगह 3, b2 -9, c2 -2, गुणांक यहाँ एक छिपा है, तो a1 = 1, b1 = -3 और c1 = -3, a2 = 3, b2 = -9 और c2 = -2। अनुपात करने पर तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 कितना आ जाएगा। a1 रखिए 1/3, b1 = -3 और b2 = -9, c1 = -3, c2 = -2। माइनस माइनस कैंसिल कर लिया जाए, आंसर में कट गया, इसमें भी कट गया, 3 से 9 कटेगा, काट दीजिए, 3 * 9 = 3, 3 * 9 = 9, तो कितना आ गया 1/3 1/3 3/2। अब हम कंपेयर कराएंगे तुलना कराने पर, तुलना कराएंगे तो क्या आया 1/3 = 1/3, परंतु 3/2 = नहीं है। तो ये a1/a2 और b1/b2 और a1/a2 = लेकिन c1/c2 = नहीं है। जब नहीं है तो लिख देंगे अतः
इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये समीकरण एक हो गया, समीकरण दो हो गया, तो लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराने पर, तुलना कराएंगे तो a1 का मान कितना है 2, b1 का मान 1, c1 का मान, पक्षांतर कर लिया जाए, पक्षांतर करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा बराबर 0, इसको भी पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8 बराबर 0, प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो गया, पक्षांतर कर दिए दोनों का, 5 इधर आया माइनस का, 8 भी आया माइनस का, तो c1 का मान माइनस 5, a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान माइनस 8, अनुपात करने पर अनुपात कराने पर तो a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो a1 का मान रखिए 2, a2 का मान 3, 2/3, b1 का मान 1, b2 का मान 2, c1 का मान माइनस 5, c2 का मान माइनस 8, कटने का कोई चांस नहीं है, तो लिखेंगे तुलना कराने पर जब अनुपातों तुलना कराएंगे तो क्या बनेगा, 2/3 बराबर ना भी 1/2, अब ये भी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, देखेंगे चूंकि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 अतः इन इस समीकरण के योग, इन समीकरणों के योग, इन समीकरणों के युग्म के हल अद्वितीय होंगे, जब अद्वितीय हल होंगे तो इसे हम वज्र गुणन विधि से लगाएंगे, नोट कर लीजिए, अब आगे हम वज्र गुणन विधि बताएंगे आपको। वज्र गुणन विधि में आप लोग पहले ये देखिए कि दो समीकरण हैं, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, तो a1 a2, b1 b2, c1 c2, सूत्र बनाएंगे, देखिए a1 a2, b1 b2, c1 c2 लिखेंगे, और चार पद कौन कौन से, x y और अचर पद हो गया, मान लो एक लिखना ही है, इतना ध्यान दीजिएगा, तो x अनुपात, x कौन कौन सी लाइन में, ये लाइन में x है, ये लाइन में x है, ये दोनों मान लो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। अब y वाली लाइन लेते हैं, तो y वाली ये एक लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों कट गई, तो बचा क्या a1 a2 और c1 c2, तो बनाएंगे सूत्र c1 a2
माइनस ए टू ए वन बराबर अचर पद क्या है एक। अब एक वाली लाइन काट दीजिए, किस किस लाइन में है, इसमें लाइन में है, ये लाइन में है, तो ए वन बी टू ए टू बी वन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये फार्मूला बन गया। इसी फार्मूला का इस्तेमाल हमें वज्रगुणन विधि से करना है। ये ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो से तुलना कराने पर ए वन का मान कितना है दो, बी वन का मान एक, सी वन का मान माइनस पाँच, ए टू का मान तीन, बी टू का मान दो, सी टू का मान माइनस आठ। तो सूत्र क्या है एक्स बटा बी वन, यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल करने पर सूत्र क्या है अभी बताए थे एक्स बटा बी वन सी टू, यहाँ सी टू होगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, और वाई बटा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, और अचर पद एक बटा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन कंपेयर करा लेंगे और मान रखेंगे तो एक्स बटा बी वन कौन कितना है एक, गुणा में है के बीच गुणा चिन्ह है, तो बी वन मान एक और सी टू का मान माइनस आठ, माइनस बी टू का मान दो और सी वन का मान माइनस पाँच बराबर वाई, सी वन का मान माइनस पाँच, ए टू का मान तीन माइनस ए टू का मान माइनस आठ, दो बार माइनस ऐसे पोस्टर पर रखेंगे और गुणे ए वन, ए वन का मान कितना है दो बराबर एक बटा ए वन, ए वन का मान क्या है दो, और बी टू, बी टू का मान दो माइनस ए टू का मान तीन गुणा बी वन का मान एक, इस तरह हमको मान रख देना है। अब इसको हल करना है तो एक्स बटा गुणा कराइए एक आठ का गुणा आठ और चिन्ह प्लस माइनस माइनस, चाहे कोष्ठक ऐसे रख लीजिए ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी गुणा कराने में, इसको भी रख लीजिए। तो माइनस माइनस प्लस दो पंजे दस बराबर वाई, इनका गुणा कराइए माइनस का पंद्रह, माइनस माइनस प्लस आठ दूनी सोलह और एक बटा दो दूनी चार माइनस तीन, तीन कलम तीन हल करेंगे, इनको दोनों को जोड़ घटाएंगे तो एक बटा दस में से आठ घटेगा तो दो आएगा, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस तो प्लस लगाएं चिन्ह लगाएं दो आ गया, फिर आगे वाई बटा सोलह से पंद्रह घट जाएगा प्लस माइनस का तो एक आएगा और एक बटा चार से तीन घटेंगे एक। अब इन दोनों को लेंगे तो क्या आया एक्स बटा दो बराबर एक बटा एक, क्योंकि सब तीनों बराबर हैं तो जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों को ले लिए क्योंकि इन इन दोनों से ही वो एक्स का मान निकलेगा, तो तीसरा गुणा करा दीजिए तो एक्स बराबर कितना आ गया दो। अब इनको दोनों को ले लिया जाए वाई बटा एक बराबर एक बटा एक, तीसरा गुणा करा दीजिए तो वाई बराबर एक, क्योंकि वाई एक कम वाई और एक एक कम एक वाई बराबर एक।
अतः x बराबर तो y बराबर एक। आंसर नोट कर लीजिए। अगला नंबर देखते हैं, x 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। तो ये बराबर के पार जीरो होना चाहिए, तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो 20 प्लस का है तो माइनस का आ गया, और 40 प्लस का है तो माइनस का आ गया, इधर जीरो हो गया। अब लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। से तुलना कराने पर कराइए, a1 बराबर कितना है 3, b1 बराबर माइनस 5, c1 बराबर माइनस 20, b2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस का 10, c2 बराबर माइनस का 40। अब लिखेंगे अनुपात करने पर, तो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। a1 का मान रखिए 3 बटा 6 माइनस 5 बटा माइनस 10 माइनस 20 बटा माइनस 40। काटेंगे इसको, 3 का 9 3, 3 दो 6, माइनस 5 कट गया, 5 का 9 5, 5 दो 10, माइनस 5 कट गया, 20 एक कम 20, 20 दो 40। तो 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। तो लिखेंगे तुलना कराने पर, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अतः इन समीकरणों के युग्म युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इन समीकरणों के योगों को वज्रगुण विधि से नहीं लगाना है। कब लगाना है? जब इन समीकरणों के योग के हल अद्वितीय होंगे तब। लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराने पर, तो a1 बराबर कितना आ गया 1, b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर माइनस 7। अब a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 3, c2 बराबर माइनस का 15। अनुपात करने पर तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 का मान कितना है 1 रखेंगे, a2 का मान 3, b1 का मान माइनस 3, b2 का मान माइनस 3, c1 का मान माइनस 7, c2 का मान माइनस का 15। देखिए माइनस माइनस कट जाएंगे, काट दीजिए, माइनस माइनस कट गया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3,
तो 1/3, 1/1, 7/15 तुलना कराएंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 इक्वल नॉट 1/1, यानी दोनों बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, अतः इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, अतः इन समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल होंगे। जब अद्वितीय हल है तो इसको हम वर्ज गुणनविधि से लगाएंगे। अब तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि से हल करने पर, सूत्र बताइए, x/b1c2 - b2c1 y/c1a2 - c2a1 a1b2 - a2b1 सब बराबर में मान रखेंगे। x/b1 का मान कितना है, -3 गुणा c2 का मान -15, दोनों माइनस में इसके कोष्ठक को बंद कर लो दोनों को। अब आगे -b2 का मान कितना है, -3 c1 का मान कितना है, -7 y/c1 का मान कितना है, -7 गुणे a2 का मान 3 माइनस c2 का मान -15 कोष्ठक रखेंगे, a1 का मान 1 गुणा में बराबर 1/ a1 का मान कितना है, देखिए a1 का मान 1 गुणे b2 का मान कितना है, -3 कोष्ठक में फिर आगे माइनस का चिन्ह। a2 का मान क्या है, a2 का मान 3, b1 का मान क्या है, -3। अब इसको हल करते हैं तो x/(-), +15 = 45। इसको इसमें चिन्ह का गुणा कराइए, -, +, +, -, 3 × 7 = 21। इसको हल कीजिए तो +, -, -, +, -, और 7 × 21, -, +, 15 × 9 = 15। अब इसको आगे हल करते हैं तो 3 × 9 = 3, -, +, -, -, और फिर -, -, +, 3 × 3 कराएंगे, 3 × 9, ये दोनों घटाएंगे प्लस माइनस के हैं तो 5 × 1 = 4, 4 × 2 = 24 आ गया। y/, ये दोनों घट जाएंगे प्लस माइनस के हैं तो 21 × 15 घटाएंगे 6, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो 21 बड़ी संख्या है माइनस की बराबर 1/, इन दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेगा 6 आएगा, 9 बड़ी संख्या प्लस में, तिरछा गुणा करा देंगे तो 1/24 = 1/6, तिरछा गुणा कराइए तो 6x = 24, तो x = 24/6, 6 × 24 काट दीजिए, 6 × 6 = 24, तो x = कितना आ गया, 4, x = 4 आ गया। अब इन दोनों को लीजिए, y/-6 = 1/6, तिरछा गुणा करा दीजिए तो 6y = -6, 6 × y करेंगे 6y, और 6 × 6 = -6, 6 बटम जाएगा तो y = -6/6,
माइनस छः बटा छः, तो छः छः काट दीजिए, छः कम छः, छः कम छः, तो वाई बराबर माइनस एक। तो हल क्या है, अतः अतः एक्स बराबर चार, वाई बराबर माइनस एक आंसर। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप लोग, यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएंगी और उसे देख करके आप लोग लाभ उठा लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये जो सवाल मैं बताता हूँ, इन सवालों को आप लोग स्वयं हल कीजिए तो उसका जो है आप लोग दोगुना फायदा उठाएंगे। मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। और लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में छुट्टियां ना मनाइए, मन लगाकर पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग पीछे वाला भी सब भूल जाए। अतः आप लोग अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी बनाए रखिएगा और घर से बहुत कम निकलिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे पूरे इंडिया में कोरोना फैला जा रहा है। अतः हम लोगों को अब 100% सचेत हो जाना चाहिए, इसको सीरियसली, यदि हम इसको हम सीरियसली से लेंगे तो हम लोग अपनी जान नहीं बाकी अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने देश की भी जान बचाने में मददगार होंगे। जय हिंद, जय भारत।